राजद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर बड़ा हमला किया है। साथ ही एक तस्वीर भी जारी किया है जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर दारू की बोतल पर छपी है। बोतल पर लिखा है ओल्ड गैंग देसी दारू। वहीं आरजेडी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर जेडीयू का फुल फॉर्म भी बताया गया है। आरजेडी ने लिखा कि जे मतलब जहां, डी मतलब दारू, यू मतलब अनलिमिटेड। क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर घर उपलब्ध शराब और जहरीली शराब से हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन? आंसर, नीतीश कुमार और जेडीयू। वहीं राजद के पोस्ट पर बवाल होने पर जेडीयू ने कहा, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्ट के जरिए जनता दल यूनाइटेड पर हमला बोला और जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड बता दिया। राजद के हमले का जवाब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दिया। नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय जहरीला दल बताया। उन्होंने कहा कि समाज में जहर बोने का काम इन लोगों ने किया है, इसलिए जनता ने इन्हें लॉक कर दिया। जबकि बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने भी राजद का नामकरण किया है। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय स्तर पर जहर फैलाती है, इसलिए राष्ट्रीय जहरीला दल नाम दिया गया है। बता दें कि राजद नेता शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू का मतलब ही होता है जहां दारू अनलिमिटेड हो। बिहार में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां दारू उपलब्ध नहीं है। लोग मौत को गले लगा रहे हैं, सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार को फलने फूलने दे रहे हैं। शराब घोटाला होता रहा लेकिन शराब माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई। जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी पकड़े गए, जहां पकड़ा गया था वहां के सुपरिटेंडेंट बदल दिए गए। शराब का कारोबार फल और फूल रहा है। शराब से बिहार की जनता हो रही बर्बाद, इसके लिए पूरी तरह जेडीयू और नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं।